नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर टैरो का रीडर प्रियंका, आपकी मोटिवेशनल कोच, और आपको देती हूँ बहुत सारे रेमेडीज उपाय कि आपकी ज़िंदगी आसान बन सके। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 राशियों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12 जुलाई को मंगल जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं 45 डेज के लिए। और इसी पे मैं आप सभी को बता रही हूँ 12 राशि वालों को कि कैसे रहेगा आपके लिए मंगल का 45 डेज का यह ट्रांजिशन, जिसमें वो देगा आपको अलग अलग रिजल्ट्स। हर कुंडली में मंगल जो है हर भाव में अलग तरीके से बैठा होता है। किसी की कुंडली में दूसरे घर में, किसी की कुंडली में तीसरे, चौथे, पाँचवें, आठवें, और किसी की कुंडली में लगन में। और जब जिस कुंडली में जौन से घर में ये प्लैनेट बैठा होता है, उसको वैसा ही प्रभाव जो है देता है। और टैरो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कौन सी कुंडली में कौन सा प्रभाव देने वाला है। वृष राशि वालों, आपके बारे में बात करने वाले हैं। मंगल जो ट्रांसिट कर रहे हैं आपके लगन में ट्रांसिट कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ का घर होता है, आपका घर होता है, आपकी पर्सनालिटी का घर होता है, दैट हाउ डू यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड एवरीबॉडी। लगन आपका प्रेजेंटेबल जो होता है, आपकी प्रेजेंटेशन का हाउस होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ के बारे में, तो मंगल कैसे प्रभाव आपको देता है, आपको पॉजिटिव प्रभाव देता है, फाइनेंशियली गेनिंग देता है, आपको आपको नए प्रोजेक्ट्स दिलवाता है, साथ ही में आपको बैलेंस करना सिखाता है, लेकिन एक ड्रॉबैक साथ में लेकर आता है जिसे कहते हैं एंगर। लगन में बैठेगा तो आप हर किसी से जो बात करेंगे गुस्से में बात करेंगे। प्रभाव, जब भी बात करते हैं ग्रह का ट्रांजिशन लेकर आता है प्रभाव। प्रभाव क्या होता है? जो उस ग्रह का नेचर होता है, उस प्लैनेट का नेचर होता है। मंगल क्या है? थोड़ा गर्म प्लैनेट है, यानी कि हीटेड प्लैनेट है, तो आपको क्या देगा? एंगर देगा। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जानेंगे टैरो कार्ड से कैसे रहने वाला है आपके बिजनेस के लिए ये ट्रांजिशन। तो वृषभ राशि वालों, यहाँ पर अगर बात करें लगन में आपके बैठ रहा है मंगल, कैसा रहेगा आपके बिजनेस के लिए, यहाँ पर कार्ड्स आते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दिस मीन्स कि यहाँ पर अच्छे प्रभाव देने के बहुत सारे योग बन रहे हैं। साथ ही में देखिए सेकंड घर में ट्रांजिट हो रहा है, जो कि लग्जरी का भी है और शुक्र का भी है, तो यहाँ पर फाइनेंस का भी है, फैमिली का भी है, ओवरऑल मिला झूला प्रयोग यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आपको देता हुआ नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स लेकर आता है इमोशंस, साथ ही में पेज ऑफ कप्स लेकर आता है थोड़ी सी लापरवाही, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लेकर आता है यानी कि पैसा ही पैसा आपके पास होगा। यदि आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, फीमेल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फीमेल रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलने के यहाँ पर योग जो है बन रहे हैं। बिजनेस प्रोस्पेक्ट से बात करें तो ओवरऑल ये 45 डेज आपके लिए काफ़ी फाइनेंशियल गेनिंग के रह सकते हैं। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में कि कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मेरे पास कार्ड्स आते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड साथ ही में आते हैं एट ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस मीन्स कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, हो सकता है कि कुछ रिश्ते टूटे और कुछ रिश्ते बने, ऐसे कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। 45 एक ट्रांजिशन आपके लिए जो है चेंजिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। हो सकता है नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जाए, हो सकता है पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आए, और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बर्डन फील करें कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये ट्रांजिशन देखिए कितने एक्यूरेट कार्ड जाते हैं, कुछ ही दिनों का है, कुछ हफ्तों का हम मान के चलते हैं कि इसके बाद में आप फैमिली को टाइम भी दे पाएंगे। जो लोग वृषभ राशि वाले परेशान हैं कि समय नहीं निकाल पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक बात का ध्यान रखना है आपको, दूसरों का काम अपने सर पे नहीं लेना। जितनी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं उतनी ही जिम्मेदारी हैंडल करें, जिनका आपका कोई मतलब नहीं है उनको अपने सर पे लोड को ना लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर आपके लक के प्रोस्पेक्टिव से, तो लक यहाँ पर बहुत सारा आता हुआ नज़र आ रहा है वृषभ राशि वालों आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि मान सम्मान बढ़ने का ये समय है, 45 दिन में कोई प्रोजेक्ट हाथ लगने का समय है, लोगों से मिलने का समय है, फॉरेन ट्रैवल का समय है, ट्रैवलिंग का समय ये चल रहा है, मिलते किसी से आप ट्रैवल करते हैं सब में मिल सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है। लेकिन कार्ड स्ट्रेंथ आता है, कहता है नुकसान से बचने की जरूरत है, परेशानी से बचने की जरूरत है, तभी होगा जब आप रिस्क लेंगे। तो रिस्क लेने से पहले आपको सोचना है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट ना करें। ये बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन मैं आपको दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा कि ऐसे ही चीज़ें चलेंगी, ये मेरी गारंटी है आपको, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो। विशेष उपाय आपको करना है, इससे पहले आपके हेल्थ कार्ड में आपको बताऊंगी। हेल्थ यहाँ पर पॉजिटिव साइड शो कर रहा है, दिस मीन्स कि व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर कुछ परेशानी थी तो वो डिसॉल्व हो रही है, बेटरमेंट की ओर आप जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो एक बार फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए ज़रूर ट्राई करें, देखें कि क्या हेल्थ में इशू आ रहा है। बर्ताव यहाँ पर अच्छा करें अपनी फैमिली के साथ में, रूलिंग
दूसरों को बनना कम कर दें, क्योंकि आप जितना दूसरों को रूल करते हैं वो आपकी बात नहीं मानते, आपको एंजाइटी क्रिएट होती है, तो एंजाइटी से बचने की कोशिश करें। एंड हमेशा सही गलत के फैसले में आप खुद फंस जाते हैं, उससे आपकी हेल्थ प्रभावित होती है, तो कोशिश करें कि इसको आप अवॉइड करें। ओवरऑल यहाँ पर कार्ड्स काफ़ी अच्छे साबित होते हैं, तो आपको क्या करना है, विशेष उपाय, हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा। उपाय क्या करना है, किसी भी शनिवार के दिन 5 बड़ के पत्ते ले लें, आटे के चौमुख दिए बना लें और हनुमान जी के मंदिर जाके उनको जलाएं, वहां बैठ के हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आ रही परेशानियों को दूर करें, आ रही रुकावटों को दूर करें। आपके मन को शांत करने के लिए 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ें या हनुमान चालीसा सुन भी सकते हैं। ऐसा क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मंगल को अगर कोई शांत कर सकता है वो हनुमान जी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप पूजा करें हनुमान जी की, और बड़ के पेड़ के पत्ता को मैंने आपको उपाय बताया, उस उपाय को ज़रूर करें। साथ ही में आपको कौन सा क्रिस्टल करना है धारण, आपको धारण करना है पाइराइट। पाइराइट धारण करने से क्या होगा, पैसा अट्रैक्ट होगा। जी हाँ, पैसा अट्रैक्शन अगर आप चाहते हैं तो पाइराइट को धारण करें, लक भी मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगी, गेनिंग्स भी मिलेंगी और मानसिक तनाव से भी आप बचे रहेंगे। तो ये है आपकी ओवरऑल प्रेडिक्शंस वृषभ राशि वालों, आशा करती हूँ कि आपको प्रेडिक्शंस पसंद आ रही हों। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इनसाइट्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें। जय माँ काली।